चक्र वो कार्यक्रम जिसमें हम जानते हैं आपके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं हैं और अगर समस्याएं हैं तो उनका निराकरण किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि ज्योतिष में हर समस्या का समाधान मौजूद है। और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम जानेंगे आपकी कुंडली में किस प्रकार से आर्थिक रहस्य जो है उसको सुलझाया जा सकता है, कुंडली किस प्रकार से बताएगी कि आपके आर्थिक भविष्य को किस प्रकार से समझा जाए, किस प्रकार से आपके जीवन में जो दारिद्र है उसको दूर किया जा सकता है, और धन के योग, धन वर्षा के योग क्या कुछ कहते हैं, और पंडित जी से ही जान लेते हैं। और इसके सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोन लाइन भी हमारी खुली हुई है, किसी भी प्रकार के अगर सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो इन फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पंडित जी, आर्थिक कुंडली की आज हम बातचीत करना चाह रहे हैं, और सबसे मुझे लगता है महत्वपूर्ण विषय यही होता है, करियर किस प्रकार से होगा, उसके बाद आर्थिक भविष्य क्या होने वाला है। आर्थिक कुंडली आखिर किस प्रकार से हम देखें, कुंडली में वो कौन से ग्रह होते हैं जो आर्थिक भविष्य को तय करते हैं? बिल्कुल, बहुत सुंदर सा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, देश के भविष्य और देश की अर्थव्यवस्था को तो लेकर हम लोग बहुत चिंतित होते ही हैं, परंतु यदि जातक अर्थात जो मनुष्य है हम उसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में सोच पाएं कि आखिर उसके जीवन की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी, कमजोर रहेगी, किस प्रकार की होगी, तो वो कैसे जाना जा सकता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जन्म कुंडली है जिसमें 12 महत्वपूर्ण भाव होते हैं। सबसे पहला भाव होता है लग्न का भाव, अर्थात जहां से कुंडली का प्रारंभ होता है, कुंडली की शुरुआत वहीं से होती है। तो देखिए, लग्न कुंडली में जो सबसे पहला भाव है अर्थात लग्न जिसको कहते हैं, उसका मजबूत होना बेहद आवश्यक है। यदि वही मजबूत नहीं होगा तो बाकी सारे खाने, जो बाकी के जितने भी 11 खाने हैं, वो सारे खाने जो हैं वो कमजोर हो जाएंगे। तो आपकी आर्थिक स्थिति को यदि मजबूत करना है, देखना है, तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली के लग्न को देखें कि आखिर लग्न कैसा है। कैसे देखना पड़ेगा, लग्न में जो नंबर लिखा होता है सबसे पहले आप उसको देखिए, 1 से लेकर 12 तक के अंक उसमें लिखे गए होते हैं। 12 तक के अंक होते हैं तो 1 नंबर का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। इस प्रकार से 12 नंबर तक जितने भी ग्रह होते हैं हर अंक का अपना एक स्वामी होता है, तो आपको उस अंक के स्वामी की स्थिति आपकी कुंडली में देखनी है, अर्थात वो अंक का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है, किस स्थान पर बैठा हुआ है, और वो स्थान हमारी कुंडली में कितना मजबूत है। मान लीजिए कि वो लग्नेश जिसको हम कहते हैं वो यदि आपकी कुंडली के पहले भाव में बैठा हुआ है तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो हमेशा मजबूत रहेगी, क्योंकि आप काम करने के लिए जीवन भर प्रस्तुत रहेंगे, अर्थात हमेशा मजबूती से खड़े रहेंगे। यदि वही ग्रह सेकंड हाउस में बैठा है बहुत अच्छी बात है, घर परिवार में आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको बहुत मजबूत करेगा। यदि वही ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में पड़ा हुआ है तो आप मानकर चलिए कि मित्रों परिजनों की मदद से आपको सुख की प्राप्ति होगी, परंतु यदि वही ग्रह चौथे भाव में बैठ जाता है तो आपको जीवन भर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सुख में कमी आने वाली है, अर्थात आप कितना भी पैसा कमा लेंगे उस पैसे का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। वही ग्रह यदि पंचम भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं संतान या पिता की मदद से आपको जीवन में लाभ मिलने जा रहा है। वही ग्रह यदि छठे भाव में बैठा है तो विरोधी पक्ष आपको हमेशा परेशान करेगा, रोगों की संतति बढ़ सकती है, अर्थात रोगों की अधिकता आपके जीवन में हो सकती है। वही ग्रह यदि सप्तम भाव में बैठा है तो पत्नी के माध्यम से, पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति के माध्यम से, या आपके ससुराल पक्ष के सहयोग से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि वही ग्रह अष्टम भाव में बैठा है तो आपको आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वही ग्रह यदि नवम भाव में बैठा है तो आपके भाग्य की जो उन्नति है वो 27 से 36 वर्ष के बीच में आपकी उन्नति हो सकती है। वही ग्रह लग्नेश यदि आपकी कुंडली में दशम भाव में बैठा है तो इसको बोलते हैं रुचक योग, अर्थात आप अपने जीवन में उच्च पद को प्राप्त करेंगे। जब उच्च पद को प्राप्त करेंगे अर्थ की स्थिति हमेशा मजबूत होगी। लग्नेश यदि एकादश भाव में बैठा हुआ है तो मानकर चलिए कि आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगी, परंतु लग्नेश यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठा है तो आपको जीवन भर जितना कमाएंगे उससे कई गुना खर्च होगा। तो ये लग्नेश की स्थिति है। मैं दो चीजें और इसमें जोड़ना चाहूंगा।
हमारी कुंडली में जो दो महत्वपूर्ण भाव होते हैं, सबसे पहला भाव होता है धन का भाव अर्थात जिसको हम सेकंड हाउस कहते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण भाव होता है एकादश भाव जिसको हम आय का भाव कहते हैं। हमारे पास आय कैसी होने वाली है, धन की स्थिति कैसी होने वाली है, ये इन दोनों भावों से तय होती है। परंतु एक चौथी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनीता जी, वो मैं बतलाना चाहूंगा, वो होता है सुख का भाव अर्थात हाउस ऑफ हर्डल जिसको हम चौथा भाव भी कहते हैं। तो इन चारों चीजों को यदि आप कुल मिलाकर अपनी कुंडली में विश्लेषित कर ले तो आपकी जो आर्थिक कुंडली है वो स्वतः आपके सम्मुख प्रकट होगी और उससे आप बहुत आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी इस पूरे संपूर्ण जीवन में रहने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी आपने दी है। द्वादश भाव धन का भाव होता है, इसके अलावा जो ग्यारहवां भाव होता है वहां से स्थिति स्पष्ट होती है कि धन वर्षा के योग होंगे या नहीं, दारिद्र बना हुआ है तो आखिर कारण क्या है। चतुर्थ भाव है उसकी भी पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। कुल मिलाकर जितने भी भाव है उसमें क्या कुछ स्थितियां बनती है ग्रहों की, तब हमारे जीवन में खुशियों का निर्माण होता है, धन का अभाव नहीं होता है। पंडित जी यहाँ समझना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने कुछ भावों का जिक्र किया, लेकिन मेहनत करता है व्यक्ति बहुत ज्यादा, क्योंकि कहा जाता है कि मेहनत करने से ही फल मिलता है, लेकिन तमाम मेहनत करने के बाद भी अगर उसे वो फल नहीं मिल पाए, वो धन का योग नहीं बन पाए, तो आखिर क्या करना चाहिए इन ग्रहों के साथ, किस प्रकार से, और जो आप कोई उपाय इस तरीके के बताना चाहें कि धन वर्षा ना हो लेकिन स्थिति जो है वो अच्छी हो जाए। बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखिए ये यही न्यूज वर्ल्ड के इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत है कि सुनीता जी इतने सुंदर प्रश्न करती हैं कि न्यूज वर्ल्ड के सारे दर्शकों का जो है भविष्य उज्जवल हो जाता है। तो देखिए कितना सुंदर प्रश्न है कि क्या करें, अर्थात बहुत मेहनत करने के बावजूद भी लाभ नहीं मिल रहा तो कैसे मेहनत को हम परिश्रम को सफल बना लें और किस प्रकार से हम अपने जो अर्थ की स्थिति है उसको मजबूत बना लें। देखिए उसके लिए दो चीज हमको करना पड़ेगी। हमें हमारी जन्म कुंडली के दो महत्वपूर्ण भावों को देखना बेहद जरूरी। कौन सा भाव? सबसे पहला भाव होता है हमारा भाग्य स्थान। क्योंकि देखिए जब तक भाग्य हमारा साथ नहीं देगा हम अपने कर्म में कभी भी पूर्णता सफल नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको अपने भाग्येश अर्थात नवम भाव में जो राशि बैठी हुई है उसके ग्रह को देखने की आवश्यकता है, अर्थात भाग्येश कहां पर बैठा हुआ है तो उसको मजबूत बना लीजिए। इसी के साथ नवे के बाद वाला जो घर आता है जिसको हम दशम भाव कहते हैं, आप दशम भाव को मजबूत बना लीजिए। देखिए इन दोनों भावों को मजबूत बना के आपको मेहनत का परिणाम कैसे नहीं मिलता। और उसके अलावा यदि ये दोनों चीज भी आप ना समझ पाए, एक बहुत सुंदर सा मैं आपको उपाय जरूर हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारी जितनी भी 12 राशियां हैं, 12 राशियों का यदि हम राशिगत रूप से एक राशिफल बता सके तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति अवश्य बनेगी। बिल्कुल, तो आज हम बात कर रहे हैं आर्थिक कुंडली किस प्रकार से रहने वाली है और पंडित जी बहुत अच्छे और सटीक उपाय आपको बताने वाले हैं। तो 12 राशि के जातक झुके लगातार इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या कुछ उपाय करें कि उनके जीवन में धन वर्षा हो, खुशियों का जो है आगमन हो। सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के जातक क्या कुछ उपाय करें ताकि उनकी कुंडली में सुधार हो, आर्थिक भविष्य उज्जवल हो। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ मेष राशि वाले जातकों की, आर्थिक स्थिति की हम बात कर रहे हैं। देखिए मेष राशि की कुंडली में जो एकादश भाव होता है वो शनि का भाव होता है अर्थात वहाँ कुंभ राशि होती है। तो क्या करना चाहिए, आप शनि को मना लीजिए। शनि को मनाने का तरीका, या तो आप नीलम रत्न पहन सकते हैं, नीलम का उपरत्न नीली पहन सकते हैं, अलेक्जेंडर पहन सकते हैं। यदि रत्न ना पहन पाए तो आप क्या करें, प्रत्येक शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे आप एक तेल का दीपक अवश्य लगा कर आइए। मुझे लगता है इस काम को करेंगे तो धन संबंधी परेशानी में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसके बाद में बात कर लेता हूं अगली राशि यानी वृषभ राशि के बारे में। देखिए वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली में एकादश भाव में जो राशि बैठी है वो होती है मीन राशि अर्थात गुरु की राशि। तो आप किसी योग्य व्यक्ति को अपना गुरु बना लीजिए, और यदि कोई योग्य व्यक्ति आपको गुरु बनाने लायक ना मिले तो भगवान शिव को गुरु बनाइए, क्योंकि वो तो देवों के देव और महादेव हैं। तो उनको आप अपने गुरु रूप में लीजिए और प्रातः काल आप उनके शिवलिंग के ऊपर मंदिर में जाइए और जल और दुग्ध मिलाकर उसको अवश्य चढ़ा कर आइए, उससे आपके जीवन में धन संबंधी कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। अगली राशि की मैं बात कर लेता हूँ अर्थात मिथुन राशि की।
तो मिथुन राशि में एकादश भाव में जो राशि बैठी रहती है वो होती है मंगल की राशि अर्थात मेष राशि, हनुमान जी महाराज। तो आप भगवान हनुमान को प्रत्येक मंगलवार और शनिवार यदि आप चोला चढ़ा सकें तो भगवान आपसे बेहद प्रसन्न होंगे और धन संबंधी जो परेशानी है वो स्वतः समाप्त होगी। तो बिल्कुल मेष वृष और मिथुन राशि के जातक क्या कुछ उपाय करें, किस प्रकार से भगवान की आराधना करें, किस प्रकार के छोटे छोटे उपाय जो हैं जीवन में खुशियां ला सकते हैं और आपके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, पंडित जी जानकारी दे रहे हैं। और आज जैसा कि विशेष हमारा जो टॉपिक है आर्थिक कुंडली, क्योंकि अगर जीवन में अर्थ ना हो तो अनिष्ट होता है, अनर्थ हो जाता है और उसी से बचने के उपाय पंडित जी हमें बता रहे हैं। पंडित जी और भी राशियों के जातकों की बात करेंगे क्योंकि आज हम समय हमने कम लिया हुआ है, आधे घंटे का हमारे पास वक्त है और इस कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपके लिए सटीक उपाय पंडित जी हमें लेकर जो है वो बताएंगे। कुंडली की अगर हम बात कर रहे हैं पंडित जी, कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि कुंडली में आर्थिक स्थिति क्या है, जिनकी कुंडली नहीं है, जो कुंडली का ज्ञान नहीं रखते हैं या कुंडली बनवाते नहीं है, उनकी अगर जीवन में इस प्रकार की स्थितियां आती है कि पैसे कमाने का वो जतन बहुत कर रहे हैं, आपने बताया कि क्या कुछ करना चाहिए लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाता और इस स्थिति में जातक जो है भटक जाता है, भटकाव की स्थिति में आ जाता है और कुछ ऐसे कार्यों चला जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करें और जीवन जो है सुचारू रूप से चल पाए। बिल्कुल, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये आपका हाथ है, थोड़ा सा आप अपने हाथ को देखिएगा। मैं सभी जितने भी लोग हैं जिनकी कुंडली नहीं है उससे बतलाना चाहूंगा, ये जो उंगलियां होती है इनके गैप्स को थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करिए। जिन साधारण रखिए, जिन लोगों की उंगलियों में गैप्स ज्यादा होते हैं, यहाँ 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 यहाँ, तो आप मानकर चलिए कि आप जितना कमाते हैं उससे कई गुना ज्यादा खर्च जो है वो आपके जीवन में होता है। तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप कमाइए और उसको बहुत ज्यादा खर्च कर दें। अब इसको रोकने का तरीका क्या हो सकता है, बहुत सुंदर सा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। केवल आपको अपने सीधे हाथ की इस छोटी उंगली में एक मोती रत्न पहनने की आवश्यकता है। मोती क्यों पहनने की आवश्यकता है, देखिए चंद्रमा मन का कारक है अर्थात हमारे मन का कारक है। हम सारे निर्णय हमारे मन अर्थात अपने मस्तिष्क से लेते हैं। जब तक हमारा हमारे मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक बढ़िया मोती जिसका वजन 10 से 15 रत्ती के बीच का हो, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करिए। मुझे लगता है कि जितने भी लोग जिनकी जीवन में धन संबंधी समस्या है समाप्त होगी और चंद्रमा आपको प्रेरित करेगा, आपके मन में विश्वास पैदा करेगा और अत्यधिक धन कमाने के बारे में। सो करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। तो बिल्कुल एक छोटे से मोती के द्वारा आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं, रत्न के उपाय पंडित जी हमें बताते हैं। लेकिन पंडित जी बहुत से ऐसे जातक हैं जो रत्न जो है वो नहीं खरीद सकते, क्योंकि जिस प्रकार से आपने बात की हम न्यूज वर्ल्ड में उन तमाम दर्शकों का जिक्र करते हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, लेकिन आप उपाय बहुत सटीक बताते हैं। अगर मोती रत्न उदाहरण ना कर पाए, क्योंकि साहसी मोती आप बताते हैं कुछ महंगा होता है, तो हमारे जातक ये जानना चाहेंगे दर्शक की अगर वो ये ना करें तो कुछ और सटीक उपाय जिससे स्थितियां निर्मित हो। मैं एक बहुत सुंदर सा बड़ा साधारण सा उपाय आपको बताता हूं। देखिए गोमती चक्र मुश्किल से 5 रुपए का आता है, आपको बाजार में किसी भी रत्न विक्रेता के यहां गोमती चक्र मिल जाएंगे। तो 5 गोमती चक्र जिनकी कीमत 25 रुपए होगी, माने 5 रुपए का एक गोमती चक्र या ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का आएगा, तो 50 रुपए के गोमती चक्र आप ले आइए। और क्या करिए कि आप अपने घर में जो पूजा स्थान है और 5ों गोमती चक्र को एक कटोरी में पानी में भरकर आप रख दीजिए और आप उसको रख दीजिए। किस दिन रखना है, शुक्रवार के दिन रखना है। शुक्रवार में समय कौन सा होना चाहिए, शाम का समय होना चाहिए, तो शाम के समय में आप रख दीजिए, आपके घर में धन संबंधी परेशानियां हमेशा दूर होंगी। एक और उपाय बता देता हूँ, एक बहुत सुंदर सा शंख आता है जिसको हम दक्षिणावर्ती शंख भी कहते हैं, 250 रुपये का आता है, 100 से लेकर 250 रुपये के बीच में आता है। तो आप दक्षिणावर्ती शंख को ले आइए, उसको उल्टा करिए और उसके अंदर पानी भरिए और उसको इस प्रकार से रखिए कि उसका जो मुख हो वो उत्तर की तरफ हो और उसका जो पिछला हिस्सा हो वो दक्षिण की तरफ हो। आप उसको इस दूसरे दिशा में भी रख सकती हैं, उसका मुख पूरब की तरफ हो और उसकी जो पिछली जो पूंछ होती है, पतली सी डंडी होती है, वो पश्चिम की तरफ हो। करके देखिए, धन संबंधी समस्या आपके घर से स्वतः दूर होगी। एक तीसरा उपाय, छोटा सा श्री यंत्र आप अपने घर में ले आइए और श्री यंत्र की आप स्थापना करिए। श्री माने लक्ष्मी का यंत्र, तो आप अपने घर में जब श्री यंत्र लेकर आएंगे तो मुझे लगता है कि धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त होगी।
तो बिल्कुल श्री यानी लक्ष्मी जी और श्री यंत्र बेहद प्रिय होता है लक्ष्मी जी को। श्री यंत्र का उपाय पंडित जी ने बताया, इसके साथ ही गोमती चक्र जो कि बेहद प्रिय होते हैं भगवान को, आप वो लेकर आइए। जो शंख है, शंख की क्योंकि विष्णु जी को भी बहुत पसंद होता है, लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है दक्षिणावर्ती शंख, वो हमेशा अपने हाथ में रखती है, तो आप उसको भी रखिए अपने घर में। तो बिल्कुल ये तमाम छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि के जातक आर्थिक कुंडली को किस प्रकार से और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। देखिए मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों की। तो कर्क राशि के जितने भी जातक हैं, यदि हम उनकी कुंडली को बहुत ध्यान से देखें तो एकादश भाव में शुक्र की राशि अर्थात वृषभ राशि वहां बैठी है। तो आप शुक्र को मजबूत करिए। शुक्र को मजबूत करने का बहुत सुंदर सा उपाय है, आप अपने घर में पारस शिवलिंग रख लीजिए। पारस शिवलिंग ना रख पाए तो आप एक अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं, वो भी ना पहन पाए तो भगवान शिव की पूजा करिए, उससे भी आपको लाभ होगा। इसके बाद में बात कर लेता हूँ अगली राशि यानी सिंह के बारे में। सिंह राशि से एकादश भाव में जो राशि पड़ती है वो होती है मिथुन राशि, अर्थात आपको क्या करना है, बहुत सुंदर सा काम, गाय को चारा खिलाते रहिए, हरी हरी चीजों का सेवन करते रहिए, भगवान गणपति की पूजा अर्चना करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि की। तो कन्या राशि से एकादश भाव में कर्क राशि होती है, अर्थात भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होता है। क्या करना है, प्रत्येक सोमवार के दिन आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है, उससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो कन्या राशि वाले जातक इसको करके देखें। तो बिल्कुल कर्क सिंह और कन्या राशि के जातक क्या कुछ करें, इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहा है इंदौर से, संजय जी। जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में, आपका सवाल पूछिए। अब मेरा सवाल ये है कि मैं जॉब से रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं जी, तो जॉब मेरे करियर में अच्छी जॉब और कब लगेगी। जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बतलाएं अपना। हाँ, जन्म तारीख है 3 मार्च 1973, मतलब 3373 जी, और स्थान है मेरा इंदौर जी। आप जन्म समय बतला दें। 1:30 दोपहर के, दोपहर के 13:30 इंदौर जी। आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न और मकर राशि की, और जो जन्म नक्षत्र है वो धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है, मकर राशि है। अब बात आती है कि बहुत अच्छा नौकरी और जॉब के बारे में। देखिए वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है और शनि आपकी कुंडली में भाग्येश भी है, और बुध जो है वो आपकी कुंडली का कर्मेश है। वर्तमान में बुध जो है वो भी आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। दो उपाय बतला रहा हूँ, करके देखिए, मुझे लगता है अवश्य लाभ होगा। सबसे पहला उपाय नीलम का है, एक नीलम रत्न जिसका वजन 8 से 9 रत्ती का हो, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। दूसरा एक पन्ना रत्न है, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करें। और तीसरा एक और छोटा सा उपाय चलते चलते बता रहा हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिए, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में नीच का होकर अर्थात अष्टम भाव में पड़ा है, जिसके कारण भी आपको परेशानी है। संजय जी, ये छोटे छोटे से उपाय आप जरूर करिए और जीवन में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण आपको जरूर मिलेगा। चलिए समय की कमी है, बाकी के जो जातक है उनके बारे में भी जान लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक क्या कुछ उपाय करें ताकि जीवन में हो खुशियां। बात कर लेते हैं हम तुला राशि वाले जातकों की। तो तुला राशि वाले जातकों के एकादश भाव में सिंह राशि है, अर्थात सूर्य को प्रसन्न करना है। सुबह प्रातः काल खाली पेट भगवान सूर्य को आप जल चढ़ाइए, मुझे लगता है उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद में बात कर लेता हूँ वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि से एकादश भाव में जो राशि है वो कन्या राशि है, अर्थात आपको क्या करना है, भगवान गणपति की पूजा अर्चना करनी है। अपने घर में एक मूंगे के गणपति आप रखें और रोज उनको जो है दूर्वा आप अवश्य चढ़ाइए, मुझे लगता है उससे धन लाभ होगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं जो कि धनु राशि है। धनु राशि से एकादश भाव में तुला राशि है, अर्थात आपको क्या करना है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है। शिव की पूजा अर्चना करेंगे तो लाभ मिलेगा। इसके बाद की हम अगली राशि की बात कर लेते हैं, अर्थात मकर राशि की हम बात कर लेते हैं। मकर राशि से एकादश भाव में जो राशि पड़ती है वो है वृश्चिक राशि, अर्थात आपको एक बार पुनः शक्ति की आराधना करनी है, माँ दुर्गा की पूजा करनी है, उनके मंत्रों का जाप करेंगे तो धन संबंधी परेशानियों से दूर रहेंगे। इसके बाद अगली राशि पड़ती है कुंभ राशि। कुंभ राशि से एकादश भाव में धनु राशि पड़ती है, और यदि आप धनु राशि आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात कर लेते हैं। मीन राशि से एकादश भाव में
जो राशि पड़ती है वो है मकर। अर्थात यदि आप प्रत्येक शनिवार भगवान शनि के मंदिर में जाकर थोड़ा सा तेल और एक तेल का दीपक लगा कर आए तो आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियों से निजात अवश्य मिलेगी। तो बिल्कुल, किस प्रकार से आपके जीवन में खुशहाली हो, आर्थिक भविष्य उज्जवल हो, सुनहरा हो, पंडित जी ने बहुत अच्छे उपाय बताए हैं। पंडित जी, चलते चलते एक सवाल और मेरे जहन में है, क्योंकि कुबेर जी को माना जाता है धन का देवता और कुबेर यंत्र की पूजा उपासना करने से भी धन लक्ष्मी जो है वो घर में उनका कहा जाता है स्थायी निवास हो जाता है, कुछ उनके बारे में चलते चलते जिक्र करें और एक अच्छा सा सटीक सा उपाय और चलते चलते। देखिए, कुबेर जिसके बारे में कहा जाता है वो धन का देवता है, उसका निवास स्थान पश्चिम में है, तो आप अपने घर के पश्चिम दिशा में प्रत्येक शनिवार को या रोज शाम को कुबेर के नाम का एक दीपक लगा दें और बहुत सुंदर सा मंत्र है, ओम श्रीम कुबेराय नमः। श्रीम ना बोल पाए तो ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का भी आप जाप करेंगे तो लाभ होगा। एक छोटा सा टोटका चलते चलते मैं सभी के लिए बतलाना चाहूंगा, सारे लोग इससे धन बहुत आसानी से पा सकते हैं। तरीका यह है कि आप पीपल के 5 पत्ते सुबह प्रातः काल 4 से 5 बजे के बीच में जो स्वतः धरती पर गिरे हों उनको आप अपने घर पर ले आइए, उसमें 5 लाल फूल रख लीजिए, 5 लक्ष्मीकारक कोड़ियाँ रख लीजिए और उसमें 5 सिक्के रख लीजिए और उसको लाल रुमाल में बांधकर लक्ष्मी जी के पास रख दीजिए और कोशिश करिए। यदि हम एक बहुत सुंदर सा उनका मंत्र है ओम श्रीम, बिल्कुल छोटा सा मंत्र है ओम श्रीम, यदि हम इस मंत्र का जाप कर पाए तो आप देखेंगे और उसको करने के बाद वो जो पूरी पोटली है उसको आप अपनी तिजोरी में रख दें तो आपकी तिजोरी में से कभी भी पैसा कम नहीं होगा। तो बिल्कुल ये उपाय आप जरूर करें और जिस प्रकार से पंडित जी ने छोटे छोटे सटीक उपाय बताए हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है वो आपके जीवन में खुशहाली लाने का एक बहुत बड़ा कारक है। और पंडित अरविंद तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने दी। पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका। और ग्रह चक्र हमारा विशेष कार्यक्रम जो हर रविवार आप देखते हैं 2 बजे से 3 बजे तक, और लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ग्रह चक्र में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।